बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी बच्चों में और प्रौढ़ों में भाई एक फर्क ये भारी है प्रौढ़ पढ़ेंगे इच्छा से पर बच्चों की लाचारी है बच्चे जो पढ़ते हैं उसका कोई फायदा ना जाने प्रौढ़ चाहता वही ज्ञान जो उसके लिए हितकारी है ध्यान में रखना ये बातें हैं थोड़ी गहरी बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी प्रौढ़ निरक्षर तो होता पर ना समझो अज्ञानी है अपने अनुभव से दुनिया की ऊंच नीच पहचानी है धीरे धीरे सीखे लेकिन जो सीखे पुख्ता सीखे फौरन लाभ चाहिए उसको उसकी यही निशानी है सोच समझ कर उसे पढ़ाना रात हो या फिर दोपहर बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी बढ़ते बढ़ते उम्र सीखने की इच्छा मर जाती है लाभ दिखाई दे तो इच्छा फिर से जोश जगाती है असफलता से दुख होता और डर लगता है इज्जत का पढ़ नहीं पाई लिख नहीं पाई चिंता खूब सताती है पढ़ने से फिर लगे भागने उनकी क्या गलती ठहरे बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी इसीलिए प्यारे अनुदेशक मन का ज्ञान जरूरी है मन में है उधेड़ बुन कैसी किसकी क्या मजबूरी है किसको मदद चाहिए कैसी किसे तसल्ली की बोली काम बड़े धीरज का है ये नहीं ये खाना पूरी है शिक्षा होती अमृत सुन लो और निरक्षरता जहर बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरे बम 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 लहरे कल तो खेत पे काए नहीं आए मेरी बात तो सुने ना है कोई मेरी खाती रहती है सुनो चाची की बात सुनो चाची की बात हाँ चाची सुबह मैं जीरा लेने लाला की दुकान पे गई तो मेरी नजर टिकी एक थैलिया पे सफेद सफेद चीज भर रही वहां में मैंने सोची बूरा है सके कि सोडा है सके कि मैदा है सके पर मैंने न और मुंह पढ़ लिए सोई मैं समझ गई जे तो नमक है अरे चाची तू तो आगे आगे बढ़न लगी अरे सुनो तो मैंने लाला ते कही चो लाला जी जे नमक लिखा भया है ना लाला हैरान अरे दो दिन में इतना सीख गई चाची एक चीज मैंने भी पढ़ ली तू बता दीवार पे एक चीज लिख रही थी और शुरू में मां मैंने अकल दौड़ाई दवाई छिड़कने वाले आए कि ना उनके संगी साथी नहीं लिख दिया अब मलेरिया मैं भी बता तो रही हूँ दो ही अक्षरों ने कितनी चाबी घुमाई दी सबके अंदर जैसे खाने के साथ जुड़ा है पीना और नहाने के साथ जुड़ा है धोना वैसे ही पढ़ने के साथ जुड़ा है लिखना बिल्कुल ठीक कल हमने इन तीन चीजों से इतने सारे शब्द बनाए अब इन्हें लिखना भी तो सीखे मैं लिखता हूँ तुम लोग साथ साथ लिखना देखो ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन अब ये बन गया ना और ये आ का डंडा और ये है म ये हो गया नाम ठीक है अब सब लोग लिखो ऐसा कैसा सब लोग साफ साफ लिखो सुंदर सुंदर देखो चंद्र भैया
ठीक है। देख देख इसको ढंग से लिखो। हाँ नहीं नहीं दोबारा से लिखो इसको। और तुमने ये कैसा लिखा है, इसे तो भगवान जी भी नहीं पढ़ सकते। ये स्लेट स्लेटी लेके बाहर आओ। मैं अभी बाहर जाके आ रहा हूँ। सब लोग साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखना, समझे? जी बहुत डांट लगा रहे थे क्यों? अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कौन से हाथ से लिखते हो? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से जरा बाएं हाथ से अपना नाम लिखो तो। हाँ हाँ लिखो। रुको ये क्या लिखा है, इसे तो भगवान जी भी नहीं पढ़ सकते। चंद्र बेटा जब तुम पढ़े लिखे होकर नहीं लिख सकते तो बेचारे अनपढ़ क्या लिखे। शुरू शुरू में तो उनका हाथ कांपेगा ना, लिखा ही नहीं जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है एक मजदूर पल्लेदार ने कहा था, मास्टर जी ये 50 किलो का बोरा उठाए से शरीर नहीं कांपता है, 50 ग्राम की खड़िया उठाए से ये हाथ कांपते। भाई जिंदगी में जब खड़िया नहीं उठाई कलम नहीं उठाई तो हाथ तो कांपेगा ही कांपेगा ना। हाथ साधने के सब लोगों को अभ्यास करो। प्रौढ़ों का हाथ बच्चों की तरह कोमल नहीं होता है, जकड़ जाता है, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है, ठीक है ना? कोई भी नया काम सीखना हो तो शुरुआत में तो दिक्कत आती है। जुलाहा दर्जी कुम्हार एक दिन में काम थोड़े सीख जावे, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। क्योरी जमीला एक दिन में रोटी बनाना सीख गई क्या तू? कहा शुरू शुरू में तो तरह तरह के नक्शे बन जावे थे, एकदम गोल बनाने तो बहुत बाद में आई। हाँ इसी तरह लिखना भी धीरे धीरे आएगा। हाथ साधने के कुछ तरीके देखो, ले तो अपनी स्लेटे। अब बनाओ ऊपर से नीचे लाइन। ऊपर से नीचे क्यों, नीचे से ऊपर भी तो बन सके। अरे नहीं री ऊपर से नीचे बना, देखो नीचे से ऊपर भी तो बन रही है। आम पेड़ से नीचे गिरेगा या फिर ऊपर आकाश की तरफ जाएगा? आम पेड़ से नीचे गिरेगा या ऊपर आकाश में चला जाएगा? नीचे ही गिरेगा, ऊपर कैसे जाएगा? ये तो ज्यादा मत इतरा, हाँ ऐसे खींच ऊपर से नीचे को यूं। हाँ अब शिरोरेखा खींचो ऊपर, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, लाइन इधर से इधर नहीं, लाइन इधर से इधर जाएगी, समझे? नदी की धारा में उल्टे तैरोगे तो छाती फटेगी, और कागज में लाइन उल्टी खींचोगे तो कागज फटेगा। कागज मत फाड़ियो रे, लाला से नई कॉपी लाया हूँ। ये कह रहे उल्टी खींची है। सही कह रहे, सीधी खींच। क्यों मास्टर, उर्दू तो उल्टी तरफ लिखी जाती है, उर्दू लिखने में कागज फटता है क्या? उर्दू में हर्ष ऊपर से नीचे को बनते हैं और गोल गोल होते हैं, हिंदी की तरह लंबी और सीधी रेखा नहीं होती है उनके ऊपर। और फिर गोला चाहे इधर से बना लो चाहे उधर से। मास्टर जवाब नहीं है क्या? हाँ देखो इधर आओ मैं बताता हूँ तुमको। उर्दू में भी लाइन ऊपर से नीचे ही आती है, मगर उनमें होती है गोलाई, इसलिए दिक्कत नहीं आती। अब हिंदी की लंबी लंबी शिरोरेखा उल्टी खींचो तो आफत आ जाए। अब बात समझ में आई? तेरी समझ में आई, शाबाश। 1 2 3 चारों जनी जल्दी से आ जाओ। तो इधर चल रहे तुम्हारी है टीम नंबर 2 और उनकी है टीम नंबर 1 और अब हम खेल शुरू करते हैं। अच्छा देखो मेरे हाथ में पर्चियां हैं और हर पर्ची पर एक एक शब्द लिखा हुआ है और ये सारे अक्षर हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ गए? अब ये पर्ची मैं इस गोला में डालूंगी एक एक करके और दोनों टीम की एक एक खिलाड़ी दौड़ कर आएंगी और जो पर्ची पढ़ लेगी वो उसे उठा लेगी और उसकी टीम को मिल जाएंगे नंबर 2। पर्ची उल्टी पड़ी तो? अरे उसको मैं फिर से दोबारा डाल दूंगी। ठीक है तैयार सब? हाँ तैयार। सबसे पहले आएगी जमीला इधर से और रम्या उधर से, ठीक है? और ये डाली मैंने पर्ची 1। चारा हाँ
शाबाश, पढ़ तो मैंने भी लिया। हाँ रमिया, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ तो अपनी जगह पे। शाबाश। हाँ राम बेटी, लिखो तो दो नंबर। चाची अभी मिल तैयार, और मैंने पर्ची डाली। अब आओ। हाँ ये खाद का कट्टा है और ये फावड़ा है। हाँ ये खाद है। अरे उसी की इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो आना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया। आज जब इतना जरूरी काम पड़ा आज ही गायब हो गया। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा भैया? जब पर्चा दिया थे गांव के पनवाड़ी ने, कही है जो संदेश है तुम्हारे गाँव के लिए। अच्छा क्या लिखा है इसमें? मैं पढ़ लेता तो चंद प्रकार की जरूरत काय को पड़ती। अरे ला मुझे दिखा ले, थोड़ा बहुत तो मैं भी पढ़ लिख लूं। ये देख, ये लिखा है क, और ये लिखा है मा, और ये है आ का डंडा मा कमा। हाँ ये है ल कमाल, आगे है पा। ये हो गया कमालपुर, ये तो मैंने रास्ते में पढ़ लिया था। इन्हें रास्ते में पढ़ लिया था। अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझे, ज्यादा पढ़ा लिखा समझा तो ले आगे पढ़ के दिखा। पढ़ ले, पढ़ जी। आगे लिखा है मैं, और मैं के ऊपर, मैं के ऊपर पता नहीं ला। पढ़ लिया था। अब ये लैन है और ये बिंदी, ये मात्रा है मात्रा, और आगे लिखा है द। हाँ और ग, और ये ल। हाँ अच्छे, द के ऊपर बिंदी भी तो है। हाँ, बिंदी भी भैया। ये क्या बात हुई भैया? कमालपुर में दगल 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 क्या? ये दगल क्या चीज हुई? दगल दंगल कमालपुर में। कमालपुर में दंगल। अब आगे में बोल पड़ेगा। हाँ सब लोग बड़े खुश नजर आ रहे हो। देख चंदर, आज ने संदेश पढ़ लिया कमालपुर में दंगल। पर्चा दिखाइयो। और जे जे लिखे हैं पहलवानों का नाम जे। देखा पढ़ने में कितने आनंद छिपे हैं, है ना? है तो भाई। ये है हमारा नया पाठ, एक अकेली औरत। इस पाठ में चार नई जानकारियां हैं, ए अ औ और सवालिया निशान। ये जो आ आया है, ये आ वाला है। हाँ ये लो, जिससे सब शुरू करे वो आवाया है इतने देर बाद। अरे तो क्या हो गया, तरीका ही ऐसा है? चाची ये तरीका बहुत अच्छा है सीखने का, कुछ लोग क्या करते हैं ये तरीका तो समझ नहीं पाते और प्राइमर ए को रख देते हैं और उठा लेते हैं आ वाली किताब, रटो पूरी वर्णमाला और फिर सारा ककहरा मात्राओं का, कका किकी कुकू के कई कोको कंका। अरे जी क्या कर रही है? कका कुकू चाची ये भी तरीका है मात्राएं सीखने का, पर हमारे पाठों में जो जो मात्राएं आ रही हैं हम सीखते जा रहे हैं। क्यों री जमीला, कितनी मात्राएं सीख ली अब तक? बड़े आ की, छोटी की, बड़ी की। हाँ अरे छोटी ए की और बड़ी एक की। ए की और आई की मात्राएं, ए की मात्रा में एक सींग और आई की मात्रा में दो सींग। आज हम सिखाएंगे औ की मात्रा। कौन सी मात्रा? औ की मात्रा। पर औ की मात्रा सिखाने से पहले अ बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है? आ बना। शाबाश। तो लो अब हम बना रहे हैं अ। एक था रामवती का चूल्हा, दूसरा उसकी सास का। एलो एलो, हल्दी चढ़ी ना हाथ पीले हुए, उसकी सास का चूल्हा कहाँ से आ गया? मान लेने में क्या हरज है, मान लेने में क्या हरज है। ठीक है
अब बीच में थी दीवार और दीवार किसी को ना दिखे तो आगे था दरवाजा बंद अच्छा, और ऊपर अच्छा, थी छत। तो ये क्या बन गया? अरे ये तो अच्छा तरीका बनाने का। हाँ, अब अ में आ का डंडा लगा दे तो बन गया आ, और आई की मात्राएं लगा दे दो सींग वाली ऐसे तो बन गया औ से औरत। तो देखो औ से औरत ये लिखा है एक अकेली औरत। तुम तो सब जानती हो कि एक अकेली औरत घर में कितना काम काज करती है। अरे बहुत काम करना पड़ जाता है, सुबह से रात तक काम करती है। अकेली एक औरत, अकेली एक औरत, पढ़ाई सब औरतों को अगर बन जाए उनकी सहेली एक औरत, अकेली एक औरत। सचमुच ये सवैया तो जादू का है, एक साथ सारे अक्षर सारी मात्राएं, इससे तो पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देख लो, लेकिन पहली शर्त है इसका याद होना। रस खान का कोई सवैया याद है किसी को? हाँ मुझे याद है, सुनाओ। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है ठीक है। अच्छा कोई नया सवैया कितनी बार गाने से याद हो जाएगा? जी 5-6 बार में तो हो जाएगा जी। चलो हम उसे 20 बार गा लेंगे और मिलके गाएंगे, तब तो पक्का याद हो जाएगा ना। हाँ जी याद हो जाएगा। चंद्र प्रकाश एक बात नहीं समझ में आई, ये सवैया याद करने की ऐसी जरूरत क्या है? ये सवैया जादू का सवैया है भैया, जादू का। हाँ अच्छा चलो तुमको पहले इसकी कहानी बता देता हूँ। हाँ बताओ। एक घर के 6 लोग थे निरक्षर। अच्छा ऐसे ही पड़े रहते थे, ठलुआ ठलुआ मतलब बेकार पड़े रहते थे, खाली पड़े रहते। खाली पड़े रहते। 6 दिख रहे हैं ना इस चित्र में? ये उदल है, ये ओमी है और ये है इंदल। अच्छा। इसको सब लोग प्यार से चौबे कहते हैं, मुझे वाले को। हाँ और ये है धनभूषण है ना, और ये है वंशी की बुआ। वंशी की बुआ। 6 के 6 अनपढ़। अच्छा जी। हाँ अब पत्र कैसे पढ़े, चिट्ठी लिखनी हो तो कैसे लिखे? तब अंत में इन्होंने एक उपाय किया। क्या
क्या उपाय किया? उन्होंने ये जादू वाली कविता रट ली। अच्छा फिर क्या उन्हें अच्छा ज्ञान हो गया? तो ये सवैया तो हमें भी सिखाओ। घर के छह लोग निरक्षर थे, ऐसे ही पड़े रहते ठलुआ। उदल ओमी इंदल चौबे, धन भूषण अवंशी की बुआ। फिर कैसी पढ़ी पत्र कैसी लिखी, तब अंत में एक उपाय किया। जादू की तरह यह कविता आई, जादू की तरह आई। रटली झट अक्षर ज्ञान हुआ, रटली झट अक्षर ज्ञान हुआ। सवैया याद हो गया सबको? हाँ याद हो गया। भाभी को नहीं याद हुआ? इन्हें भी याद हो जाएगा जब इसकी खूबी बताऊंगी और इसका जादू समझाऊंगी। रमिया सुन। हाँ तो इस सवैये में हमारे सारे अक्षर आते हैं और सारी मात्राएं। अक्षर मतलब सारे स्वर और सारे व्यंजन। अगर ये बात याद हो गई तो समझो सारी प्रवेशिका ही तुम्हारे अंदर चली गई। अच्छा जी, सारे अक्षर हैं इसमें? अक्षर नहीं चाची, अक्षर। अक्षर बोलो, अक्षर अक्षर अक्षर। हाँ ये सारे अक्षर हैं। अब देखो ये मैं नया चार्ट टांग रही हूँ, सबको दिख रहा है? ये कहाँ लिख दिया रे दैया, सारे चौकटे ही चौकटे बना ढाले। चौरी सरला, इतनी चौकटे क्यों बनाए? हर आवाज का एक अलग चौकटा है, समझो। हर चौकटा एक आवाज का एक फोटो है। अब सवैया गाएंगे और हर चौकटे पे उंगली रखते जाएंगे। अब सुनो पहले। घर के छह लोग निरक्षर थे। सवैया छंद में यही तो खूबी है, चाहे धीमी गति से गाओ चाहे तेज गति से गाओ। जैसे घर के छह लोग निरक्षर थे। अब जो अक्षर हमने नहीं सीखे वो भी हम ढूंढ सकते हैं गाते हुए। तू आ तो दमयंती। अब था नहीं सीखा है हमने तो तुझे था ढूंढना है। इसको गाओ सवैये को और धीरे धीरे हर चौकटे पे उंगली रखती जाओ। घर के छलो, इतनी इतनी तेजी से नहीं, धीमी गति से। चलो। घर के छह लोग निरक्षर थे, ऐसे ही पड़े रहते ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये पढ़ाने का तरीका तो सटीक है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा जादू का सवैया, लेकिन कैसी भूल भुलैया। सारे अक्षर यहाँ समाए, सबको मजा आ गया भैया। इस मजे में तो अब हर कोई शरीक है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये पढ़ने के नए तरीके हमने बड़ी लगन से सीखे। पढ़ना सीख जाएंगे जल्दी, फिर क्यों हो जाए उसी के। जो पुरानी चली आती हुई लीक है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सरला चंदर तुमको पाकर खुश है चंदा और दिवाकर। पर हम भूल न जाए अपने प्यारे प्यारे ढाई आखर। ढाई आखर बोलो किसका प्रतीक है? ढाई आखर किसका प्रतीक है? प्रेम का। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है।